हे महामाता, आज एक बार फिर मैं आपके चरणों में आपसे कुछ मांगने आई हूं, लेकिन आज जो मैं आपसे मांगने वाली वो आज तक कभी किसी मां ने आपसे नहीं मांगा होगा। मेरे पास शब्द नहीं है मां, लेकिन आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अपनी बेटी की मौत चाहती हूं। सितारा के लिए मृत्यु अभिशाप चाहती हूं मां। उम्मीद है इस अभिशाप का मतलब जानती हो तुम। जानती हूं, बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन सितारा को मारने के लिए मुझे उस शक्ति की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे दे सकती हैं। एक विष कन्या केवल अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्याग कर सकती है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति या कोई समय उसे नहीं मार सकता, सिवाय उस औरत के जिसने उसे जन्म दिया हो। एक विष कन्या मां को ही ये हक होता है कि वो अपनी विष कन्या बेटी की जान ले सके। पर याद रहे, ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। जाओ, दिया मैंने तुम्हें ये मौका। ये लो। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक मां अपनी ही बेटी का खून करेगी। आज ऐसा पहली बार होगा जब जिसने आपको जीवन दान दिया वही आपकी मौत का कारण बन जाए। और आज, आज मैं तेरी मौत का कारण बनने वाली हूं सितारा। मरने के लिए तैयार हो जा। आज तक सिर्फ पढ़ा था यार मैजिकल होता है, लेकिन इस जादू को रियल बनाया तुमने मेरी लाइफ में सितारा। आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ कुंवर साहब, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सितारा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? हाँ बाबा। क्या हुआ बेटा, बोल तो, हुआ क्या? बाबा, वो ऐसा मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं एक विष कन्या, हम दोनों का क्या मेल बाबा? इसी बात का डर था मुझे, जानता था कि ये दिन जल्दी ही आएगा। कोरसा की आंखों में तेरे लिए प्यार साफ नजर आता है, पर मैं ये भी जानता हूं कि ये प्यार एक तरफा नहीं है। तू भी तो चाहती है कोरसा को। बचपन से लेकर आज तक सीने से लगाकर पाला है तुझे। तेरे दिल की हर बात बिना कहे समझने की आदत है मुझे। पर बेटा, तू जानती है ना, ये मुमकिन नहीं है।
ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता बेटा। जी बाबा। नहीं सितारा, तू रोएगी नहीं बेटा। तेरा फर्ज प्यार और रिश्तों से कहीं बढ़कर है। इस राज परिवार की सुरक्षा ही तेरा पहला धर्म है, और उस धर्म को निभाने के लिए तू हर रिश्ते की बलि देगी, वो भी खुशी खुशी। ऐसे आंसू बहाकर नहीं बेटा। जी बाबा, मैं कुंवरसा को ना कह दूंगी, इसी में उनकी और राज परिवार की भलाई है। सितारा, सितारा क्या बात है, तुम यूं चली आई बिना कुछ कहे? सितारा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई नो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग था, बट ट्रस्ट मी सितारा, आज जो कुछ भी कहा ना मैंने, दिल से कहा है। बहुत प्यार करता हूं तुमसे सितारा, और जानता हूं तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही। प्लीज से समथिंग, तुम्हारी इस खामोशी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम नेत्रा की वजह से चुप हो तो लेट मी टेल यू, वो रिश्ता सिर्फ माँ और डैड की वजह से है। सिर्फ उन्हीं के कहने पे मैंने शादी के लिए हाँ की थी, कभी वैसा फील नहीं किया नेत्रा के लिए मैंने। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सितारा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी सितारा? नेत्रा, तुम क्या क्या नेत्रा सितारा से प्यार करते हो? मुझसे कभी प्यार नहीं किया आपने। क्या किया मैंने ऐसा मेरा क्या कमी रखी मैंने अपने प्यार में जो आपको वो दासी पसंद आई? अरे ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो उस दासी में उस दो कौड़ी की लड़की में दिखा आपको? माइंड योर लैंग्वेज नेत्रा, प्यार करता हूं मैं सितारा से, और उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कुछ भी नहीं। आई नो ये गलत है, लेकिन सच भी यही है नेत्रा। सिर्फ माँ और डैड के कहने पर मैंने इसके लिए हाँ की थी, इस रिश्ते के लिए, लेकिन अब इस झूठ को और नहीं खींच सकता मैं, अब नहीं।
आई एम सॉरी नेत्रा। It's over, Netra. It's over.